Namaskar, this is Subarna Chatterjee Adhikari from Dr. Paul's Institute of Cosmetology. आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा थोड़ा बात करते हैं आप लोगों के साथ. It's been really long and I'm so sorry कि मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए वापस नहीं आ पाई. लेकिन आज आई हूँ and it's going to be a very interesting topic today. We will talk about the amount of product to be used for skin care and hair care. What is the ideal amount? ये एक बहुत ही controversial issue है. हर company अपने हिसाब से बोलती है, हर कोई, हर expert अपने हिसाब से बोलते हैं कि इतना product लगाओ. कोई बोलते हैं मसूर दाल जैसा, someone will tell you it would be enough if you use a piece sized, एक मटर का जो साइज है उतना प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं वही काफी है. कोई बोलते हैं 5 डॉट्स यूज करो दैट इज एनफ. कोई बोलते हैं कि इतना सा थोड़ा सा लगता है. तो अगर आप मेरी माने तो आई विल ऑलवेज टेल देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट फॉर एनी प्रोडक्ट व्हिच इज आइडियल फॉर अ डेफिनेट स्किन. आप ऐसा नहीं बोल सकते. हर स्किन अलग, उसकी नीड अलग, उसकी जरूरत अलग. हालांकि देयर आर प्रोडक्ट्स जो आप 100 लोगों को सेम प्रोडक्ट शायद दे सके, प्रेस्क्राइब कर सके, लेकिन वो जो 100 लोग हैं उनके लिए इनफ अमाउंट और राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हर किसी के लिए अलग होगा. क्योंकि उसके स्किन का जो नीड है एज मच एज प्रोडक्ट द स्किन नीड्स वो जरूर और जरूर अलग होगा. एंड अबव ऑल सबका फेस साइज अलग, सबका नेक का साइज अलग. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इतना प्रोडक्ट ही लगेगा, एक बात. दूसरी बात, हमको ये भी समझना है कि अगर प्रोडक्ट कम है तो हाउ इट विल वर्क. अगर वो ठीक से हर जगह स्प्रेड नहीं हुआ, जितना पेनिट्रेशन होना चाहिए था उतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट काम कैसे करेगा. क्योंकि प्रोडक्ट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक अ मेडिसिन. जैसे हम लोग खाते हैं, हर मेडिसिन का एक डोज होता है और वो डोज जरूरत के हिसाब से डॉक्टर्स तय करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट का भी एक मिनिमम डोज होता है जो स्किन के हिसाब से, हेयर के हिसाब से तय होना चाहिए. आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो आप कैसे तय करेंगे. मैं बताऊंगी कि अगर आप मुझसे पूछे कि वो हम कैसे तय करें या फिर मैं कैसे तय करती हूँ रेदर, वो ये है कि आपको खुद समझ में आता है कि आपके स्किन को या आपके हेयर को वो प्रोडक्ट कितना चाहिए. जैसे कि व्हेन यू पुट शैम्पू ऑन योर हेयर, तो आप जब भी शैम्पू लगाते लगाते उसको अप्लाई करते करते अपने स्कैल्प को टच करते हैं और यू फील द स्कैल्प इज फीलिंग क्लीन एंड द स्कैल्प हैज स्टार्टेड ब्रीदिंग और आपका जो हेयर है वो क्लीन फील हो रहा है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ शैम्पू यू हैव अप्लाइड इज एनफ एंड इट इज द राइट अमाउंट. वैसे ही कंडीशनर एंड सीरम के बारे में भी मैं वही बोल सकती हूँ. जब आप उसको अप्लाई करते हैं उस वक्त आपको खुद समझ में आता है एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल विद द प्रोडक्ट एप्लीकेशन, तब आपको समझ में आना चाहिए कि यस आई हैव अप्लाइड द राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू द स्किन प्रोडक्ट, उसमें भी यही बात है. व्हेन यू अप्लाई सनस्क्रीन यू फील कि थोड़ा कम लगाऊं तो पसीना नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी सनस्क्रीन लगाने से पसीना होगा ही एंड देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन इट. एक बार ही पसीना होना चाहिए, उसके बाद आप, क्योंकि देखिए सनस्क्रीन वैसे भी हमें बाहर जाने से 20 मिनट्स पहले लगाना होता है, तो आप सनस्क्रीन लगाइए, 20 मिनट्स घर में रुकिए, आइदर आप एसी में रहिए या नॉन एसी में रहिए, कहीं पे भी रहिए, जो भी पसीना होना है, जो भी स्वेटिंग होना है, लेट दैट बी हैपन एंड देन वंस यू गो आउट योर स्किन इज नॉर्मलाइज्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन याद रखिए इतना थोड़ा सा नहीं, आपको जेनरस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लगाना है
जिससे कि आपको लगे आपका स्किन पूरा कवर हो गया, आपको दिखना चाहिए सनस्क्रीन, वो जो व्हाइटनेस ऑफ द सनस्क्रीन है या फिर आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं वो उतना दिखना चाहिए फेस पे, एंड ओवर नेक्स्ट 20 मिनट्स वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा और दैट विल क्रिएट अ स्क्रीन ऑन योर फेस बिकॉज वी आर यूजिंग सनस्क्रीन, वी आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन, याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू मॉइस्चराइजर, उसका भी ऐसा ही है कि एक जेनरस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको अपने स्किन में अप्लाई करना है। एंड अबव ऑल मैं एक बात आपको बताऊंगी कि हर कोई उतना ही खाता है जितना उसका भूख है, तो प्रोडक्ट भी आपका स्किन उतना ही लेगा जितना उसका भूख है, किसी और की अमाउंट आपके अमाउंट के साथ मैचिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज द स्किन केयर रूटीन। किसी और का स्किन केयर रूटीन कभी भी फॉलो मत कीजिए, आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपका स्किन केयर रूटीन यूनिक होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट उसमें सिमिलर हो, देर इज नो हार्म बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप, या फिर कोई प्रोडक्ट है कि सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है, कोई प्रोडक्ट है विच इज फॉर ऑयली स्किन, तो कोई है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, तो ये सब मिला जुला के आपके स्किन के नीड के हिसाब से आपका स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपके जो प्रोडक्ट है उसका जो अमाउंट ऑफ यूज करने का जो अमाउंट है वो भी आपको खुद तय करना है। इसमें आपको एक्सपर्ट हेल्प कर सकते हैं स्किन केयर रूटीन तय करने में भी और कितना अमाउंट लगाना है उसमें भी, लेकिन दैट एक्सपर्ट हैज टू बी अ रियल एक्सपर्ट। अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, उनसे पूछिए और फिर प्रोडक्ट तय कीजिए और प्रोडक्ट लगाइए। Thank you so much. Bye-bye.